कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज बर्थडे है, जन्मदिन है आपका, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, इतने लोग आपको आशीर्वाद देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? बस इस मौके और दस्तूर का जरूर फ़ायदा उठाऊंगा मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की खुशियां हमेशा ज़िंदगी में हम लोगों के बनी रहे। थैंक्स करूंगा मैं विनय आनंद जी को, जो हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, और इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की है, और बहुत प्यार करता हूं मैं इनको, और इनको देख के मुझे लग रहा कि मेरी जन्मदिन की खुशी बहुत बढ़ गई है। मानसी डोभाल, जिन्होंने अभी अपने देश का, बॉलीवुड का नाम फ्रांस में जाकर केन्स में इन्होंने जो है रोशन किया है, इनकी पिक्चर आ रही है, और पिक्चर का नाम जो है शादी अभी बाकी है। हमारी ढेर सारी शुभकामना विशेष कि खूब नाम कमाए, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और हमारी इनके लिए शुभकामना। नेहा हैं, ये भी बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनके लिए हमारी शुभकामना। शालू हमारे दीपक भैया हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत क्लब अंधेरी वेस्ट में बनाया है, और डेफिनेटली हमारी शुभकामना दीपक भैया के लिए है। अखंड भाई हैं हमारे, जो है देवेंद्र जी हैं, भैया हैं, सारे लोगों के लिए शुभकामना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे तो दोस्तों के बीच में, क्या इन लोगों को क्या तोहफा ये तो देंगे आपको, आप क्या तोहफा देंगे? रिटर्न गिफ्ट। इनके लिए दिल भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, इनके जीवन में कहीं भी मेरी आवश्यकता है, हर जगह मैं इनके लिए खड़ा हूँ, पूरी तरह से प्रमोद गुप्ता 100% इनके साथ खड़े हैं। और क्या तोहफा ये चाहते हैं, जो भी इनके मन में हो मैं वो सब पूरा करने वाला हूँ। दो दिन बाद कल या परसों जी ईद आ जाएगा, क्या कहना? ईद के लिए हमारी बहुत सारी मुबारकबाद, हमें पूरे हिंदुस्तान को, हमारे सभी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी भाइयों को, मुझे लगता है कि ये त्यौहार इतना खूबसूरत त्यौहार है, जहाँ पे किसी तरह का मतभेद नहीं होता है, किसी तरह का मनभेद नहीं होता है, और हम बहुत ढेर सारी शुभकामना करते हैं कि हमारे देश में हम सभी मिलके ऐसे ही रहें, और हर रोज़ हमारी ईद हो, हर रोज़ हमें वो खुशियाँ मिलें जो ईद के दिन मिलने वाली है। ढेर सारी मुबारकबाद हमें सभी दोस्तों को। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी मीडिया को मैं नमस्कार करता हूं, और मैं आया हूं, आज हमारे प्रमोद भैया का जन्मदिन है, और सबसे पहले मैं प्रमोद जी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही मैं यही कहूंगा कि प्रमोद भैया जो हैं, इनसे हमारे पारिवारिक ताल्लुकात हैं, ये इनका मेरा रिलेशन अभी से नहीं, कुछ 15-16 साल से है, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाला था तब से मेरी इनकी दोस्ती है, और दोस्ती में क्या कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं ये, और पता नहीं इनके अंदर मुझे एक नेता नज़र आता है, और मैं इनकी छवि इतनी अच्छी है कि मैं इन्हें हमेशा कहता हूं कि भैया मेरी इच्छा है कि आप जल्दी नेता बनिए, और ये पता नहीं मेरी इच्छा जल्द से जल्द ये पूरी करें, और एक नेक दिल इंसान है, सबके लिए इनके मन में प्यार है, अच्छी भावना है, अच्छी सोच है, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। क्या धमाल करने वाले हैं आप नेताजी के जन्मदिन पर? हम तो अब तो भैया के जन्मदिन बाद तो भाई जश्न हुई, और सभी लोग डांस करी हैं, खुशी मनाई है, और बस इनका के सभी लोग, हम ये कब के जितना बड़का लोग यहाँ बाड़न उम्र में, सभी लोग इनका के आशीर्वाद दी, शुभकामनाएं दी, और हमरो शुभकामना इनके साथ बा। ईद आ रहा है दो दिन के बाद, क्या कहना चाहिए? सभी हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामना, और बहुत खुशी से मनाइए सभी लोग ईद, और बहुत खुशी होती है कि हमारे जितने भाई हैं, साल में सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद, और ये एक ऐसा खुशी का मौका है कि पूरे देश को मनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और मेरे जितने भी भाई हैं जो देख रहे हैं, मैं सभी को बहुत 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 तहे दिल से ईद मुबारक करता हूँ। मानसी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कितनी खुशी हो रही है जन्मदिन पे, और क्या कुछ स्पेशल तोहफा आपके तरफ से उनके लिए, प्रमोद जी के लिए? प्रमोद जी को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, वो बॉम्बे आए हुए हैं, यही हम सबके लिए एक, हमारे लिए गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट, कि वो बॉम्बे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं इस साल, एंड प्रमोद जी को जो गिफ्ट चाहिए वो उनके लिए ऑफकोर्स इट्स ऑलवेज हाजिर, एंड अभी तो यहाँ पार्टी शुरू हुई है, सो लेट्स सी। मानसी, दो दिन बाद ईद आ रहा है, क्या कहना चाहिए?
ईद में सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया में, तो उसकी नेशनल हॉलीडे है। पहले आई थिंक 6th को होने वाला था, अब 7th को हो गया है। तो बस यही है कि चांद, हाँ पता नहीं अभी आज चांद निकला है कि नहीं निकला, सो like that, but ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मानसी, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या है? मेरी पिक्चर है शादी अभी बाकी है, जिसमें प्रेम चोपड़ा जी हैं, संजय मिश्रा हैं, तो वो पिक्चर अभी पूरी तरह से कंप्लीट है। इसमें संजीव दर्शन का म्यूज़िक है, एक गाना श्रेया घोषाल ने गाया है, एक सोहम ने गाया है, कृष्णा ने गाया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिक्चर है, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रोमांस और बहुत ही डिफरेंट किस्म की पिक्चर है। तो पिक्चर अभी कम्प्लीट हो गई, उसको हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग भी की थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया, हमें काफ़ी उसके अवार्ड्स, क्रिटिक अवार्ड्स मिले और बहुत आर्टिकल्स छपे बॉम्बे टाइम्स, DNA, इधर उधर मीडिया में, तो हमें लोगों का बहुत प्यार मिला। तो फिल्म फेस्टिवल्स में ये पिक्चर ऑलरेडी चर्चा में, तो बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पिक्चर अक्टूबर में रिलीज हो जाए और फिर मैं जैसे हर किसी को बोलती हूँ शादी ही बाकी है, तो बोलती तुम्हारी बन रहा, मेरी भी तो हाँ मेरी भी शादी अभी बाकी है और पिक्चर भी की भी अभी डेट बाकी है, रिलीज डेट जो हम चाह रहे हैं कि अक्टूबर में पिक्चर रिलीज हो जाए। तो मूवी की खास बात यह है कि इस पिक्चर में, एक पिक्चर के अंदर तीन अलग एंडिंग्स हैं, जो पहली बार ही बॉलीवुड में आएगा कि एक पिक्चर के अंदर तीन अलग डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग्स हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट पिक्चर है बॉलीवुड के लिए, कोई आम नॉर्मल पिक्चर नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप डिफरेंट मूवी है। तो हम वही चाहते हैं कि लोगों को हमारी पिक्चर पसंद आए, अच्छी लगे, सो उसी में हमारी सारी होप्स हैं। प्रमोद जी, मेरे बड़े भाई जो आज के दिन यहाँ पे हैं, वो सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। ऋषि, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी भाई साहब, नेहा क्या धमाल करने वाली है आप? जो मेरे भाई चाहे वही धमाल कर देंगे आज। तो एक बहन की तरफ से हर वो तोहफा जो भाई चाहे बर्थडे पे हाजिर है। थैंक यू। हो जाएगा तो हट जाएगा। हो गया जी, आपके बीच में आपको विश करने आई है, क्या कहना चाहिए?